एसएमएस न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को उतारा मौत के घाट। महाराष्ट्र में 19,648 लोगों को मिला रोजगार। केरल में भारी वर्षा जारी। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। फतेहपुर में कुएं में मिले युवक के शव के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। दरअसल प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की थी। 10 नवंबर की रात को सोते समय पत्नी ने सिर पर डंडा मारकर पति को बेहोश कर दिया। उस पर कुल्हाड़ी से ताबड़तोड़ वार किए, जिसके बाद शव कुएं में फेंक दिया था। थाना प्रभारी शेर सिंह राजपूत ने बताया कि आरोपी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामला ओंग थाना क्षेत्र के अकबर खेड़ा गांव का है। कन्नौज के रहने वाले दिलीप कुमार ने 14 नवंबर को भाई सिंकू लोदी के लापता होने की खबर लिखी थी। दिलीप ने बताया कि उसका छोटा भाई सिंकू ससुराल में रहता था। 4 दिन से वह गायब है। दिलीप ने भाई की पत्नी उमा और उसके प्रेमी राजकुमार पुत्र भूरे पर हत्या करने की आशंका जताई थी। दूसरी खबर, महाराष्ट्र के कौशल्य विकास विभाग के मंत्री नवाब मलिक ने जानकारी दी कि कोरोना संकट ने बेरोजगारी की समस्या पैदा की है। कौशल्य विकास, रोजगार एवं उद्यमिता विभाग द्वारा चलाई जा रही विभिन्न पहलों के माध्यम से अक्टूबर 2021 में राज्य में 19,648 रोजगार उम्मीदवारों को विभिन्न कंपनी, निगम, निकाय और उद्योग में रोजगार प्रदान किया गया है। मलिक ने कहा कि राज्य में विभिन्न गतिविधियों जैसे महास्वयं व ऑनलाइन रोजगार मेला आदि के माध्यम से रोजगार प्रदान किया जाता है। उन्होंने जानकारी दी कि विभिन्न पहलों के माध्यम से पिछले वर्ष 2020 में 1,99,486 उम्मीदवारों राज्य में रोजगार प्रदान किया गया, जबकि चालू वर्ष में जनवरी से अक्टूबर तक 1,47,881 बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया गया है। तीसरी खबर, केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश जारी रही, जिसमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम और कोट्टायम जिले प्रभावित हुई है। वर्षा जनित हादसों में 3 व्यक्तियों की मौत हो गई है और संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने केरल के एर्नाकुलम, इडुक्की, त्रिशूर, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खास खबरों को यही विराम देते हैं। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर एमएनएस हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर।